30 जुलाई को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि जिन दंपतियों को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती उनके लिए यह व्रत फलदायी है। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई दिन गुरुवार को है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। उनकी पूजा करने से पुत्र की कामना करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। सावन माह में यह व्रत पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक कराना भी कल्याणकारी माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस एकादशी का व्रत संतान की कामना करने वाले और संतान वाले दोनों ही करते हैं। जिनकी संतान है वे लोग उनके दीर्घ आयु और कल्याण के लिए इस व्रत को रखते हैं। जिनकी कोई संतान नहीं है वे संतान की कामना से इस एकादशी का व्रत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने, इसके बाद पूजा स्थान को साफ कर ले, फिर हाथ में जल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें, फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन तिलक कर वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प धूप दीप गंध तुलसी पान सुपारी आदि अर्पित करें, फल नारियल बेल आंवला लौंग भी अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर भगवान विष्णु की आरती करें, ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। बात उस समय की है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व व इसकी कहानी के बारे में जान रहे थे। जिज्ञासावश उन्होंने श्रावण एकादशी के महत्व को बताने का आग्रह भगवान श्री कृष्ण से किया। तब श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा कुछ यूं कहते हैं। हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब मैं जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ इसे सुनने के पश्चात तुम इसके महत्व को स्वयं ही समझ सकते हो। बात बहुत समय पहले की है, लगभग द्वापर के आरंभ की। महिष्मति नाम की एक नगरी होती थी जिसमें बहुत ही नेमी धर्मी राजा महिजीत का राज्य था। राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम करता था। उनकी सुख सुविधाओं न्याय ब्राह्मणों के सम्मान का दान पुण्य का उसे भली भांति ज्ञान था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा महिजीत को अक्सर परेशान करती थी। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी राजा की चिंता और बड़ा रूप लेने लगी थी। फिर एक दिन उसने दरबार में ज्ञानवान ब्राह्मणों पुजारी पुरोहितों को बुलवाया, प्रजाजन भी उपस्थित थे। सभी के समक्ष राजा ने विनम्रता से कहा, हे ज्ञानियों प्रजाजनों ब्राह्मण देवताओं, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर आज, जबकि मुझे राज की बागडोर संभाले भी एक अरसा बीत चुका है, मैंने अधर्म का कोई कार्य नहीं किया है। धर्म कार्य दान पुण्य न्याय अन्याय का पूरा विचार मुझे रहा है। यह भी सही है कि मेरी प्रजा मुझे पुत्र के समान ही प्रिय है, लेकिन विधि ने मुझे संतानहीन कौन से पाप की वजह से रखा है मैं समझ नहीं पाया हूँ। प्रजा भी राजा के यहाँ संतान न होने से दुखी तो पहले से ही थी, लेकिन राजा के इस प्रकार अपनी व्यथा प्रकट करने से तो वह और भी द्रवित हो गई। सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा ने विद्वानों ब्राह्मणों पुरोहितों से अनुरोध किया कि वे कोई उपाय बताएं कि किस प्रकार से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। राजा इतने धर्मात्मा थे कि उनमें कोई पाप नजर ही नहीं आ रहा था, तो वे उन्हें क्या बताएं समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने कहा कि इसके लिए हमें मुनि लोमेश की सहायता लेनी चाहिए, वही इस समय सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं। सनातन धर्म की गूढ़ गुत्थियों को सुलझाने में वे ही सबके सहायक हैं। उनके तपोबल से ही एक कल्प बीतने पर उनका मात्र एक
रोम मात्र गिरता है। फिर क्या था, सभी जाकर मुनि लोमेश को प्रणाम करते हैं। अब ऋषि तो अंतर्यामी होते हैं, फिर भी पूछ लिया कि कहीं ये क्या कष्ट है, मैं आपके अवश्य सहायता करूंगा, मेरा उद्देश्य ही परोपकार है। सभी विद्वान जनों प्रजाजनों ने अपनी व्यथा प्रकट की कि उनके धर्मात्मा राजा पर यह कैसा संकट है और कैसे वे उसे उभर सकते हैं। मुनि ने क्षण भर के लिए अपने नेत्र बंद किए और अगला पिछला सब कुछ जान लिया। तब उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में राजा एक बहुत ही गरीब व्यापारी होता था। छल और पाप कर्मों से उसने संपत्ति एकत्रित की, लेकिन ज्येष्ठ माह में द्वादशी को मध्याह्न के समय, जबकि उस समय वह दो दिन से भूखा प्यासा था, उसे एक जलाशय दिखाई दिया। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब उसने गौ को वहां से हटाकर स्वयं की प्यास बुझाई। अनजाने ही एकादशी उपवास संपन्न करने से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के लिए उसे संतानहीन होना पड़ा। यह जानकर सब बहुत दुखी हुए और कहा, हे मुनिवर, हर पाप के प्रायश्चित का रास्ता भी आप जैसे पहुँचे मुनि को मालूम होता है, हमें भी कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का संकट दूर हो। तब उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, यदि सभी प्रजाजन मिलकर श्रावण शुक्ल एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी भी होती है, इस दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण करें, अगले दिन पारण कर इसका पुण्य राजा को दें, तो बात बन सकती है। मुनि का आशीर्वाद लेकर सभी वापस लौट आए। कुछ समय पश्चात ही श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया। सभी ने विधि विधान से उपवास रखा और मुनि के बताए अनुसार ही व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। जल्द ही रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल एकादशी महात्म को सुनने जानने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलती ही है, परलोक भी सुधर जाता है।